देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। कुमाऊं के द्वारा हल्द्वानी से आज कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स प्राइवेट लिमिटेड की बसों का संचालन कोविड-19 के चलते सरकार के दिशा निर्देश अनुसार प्रारंभ हुआ। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बसों में 50% ही सवारी बैठाने की गाइडलाइन जारी की गई है और साथ ही बसों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, फेस मास्क की अनिवार्यता सशर्त जारी की गई है। वहीं आज दूसरी ओर देखने को मिला कि कुमार मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कुछ ही मार्गों पर बसों का संचालन किया गया, जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, तकुला, लेकिन बसों में यात्रियों की संख्या ना के बराबर दिखाई दी। वहीं यात्रियों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि यात्रियों को डबल किराया यात्रा करने के लिए देना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि यह आर्थिक बोझ आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। वहीं बस के चालक ने बताया कि आज पहले दिन बसों के संचालन होने के कारण अभी यात्री नहीं आ रहे हैं एवं गाइडलाइन के अनुसार 50% यात्री ले जाने का आदेश पारित किया गया है। वाहन स्वामियों का कहना है कि कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार ही बसों का संचालन किया जा रहा है। बसों में सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइजिंग कराया गया है और साथ ही हैंड वॉश, फेस मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। वाहन स्वामी का कहना है कि पिछले 3 या 4 महीनों से हमारे वाहन खड़े हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमको किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है, जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस, लाइसेंस, किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर अधिकतर बसें बैंकों से फाइनेंस है। कारोबार बंद होने के कारण बसों की किस्तें देने में खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर बसों के स्वामियों द्वारा प्रदेश के मुख्य एवं परिवहन मंत्री को ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया गया था कि राहत पैकेज दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वाहन स्वामियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वाहन स्वामियों ने खासा रोष व्यक्त है। वहीं दूसरी ओर कुमाऊं मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अधिकारियों का कहना है कि आज 22 मार्च के बाद सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बसों का संचालन शुरू किया गया है, लेकिन 50% आबादी ले जाने का ही आदेश है, जिसके कारण यात्रियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रत्येक यात्री को डबल किराया देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या परिवहन के सामने है। हम सरकार से आशा करते हैं कि हमारी समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार हमारे लिए राहत पैकेज का कोई ठोस कदम उठाएगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। मोनाल सवाल हो गया, जैसे बसों का संचालन 22 मार्च से बंद था, आज प्रथम दिन बसों का संचालन शुरू हुआ है, इसमें कौन कौन से रूट की बसें आपने अभी चलाई है? आज हमारी जो है गरुड़ बागेश्वर गई है एक गाड़ी, भिड़ापानी गई है एक गाड़ी, ताकला बागेश्वर के लगी है, 3 बसें संचालित हो पाएंगी। बसों में सुरक्षा के प्रबंध पूरे हैं? सुरक्षा प्रबंध पूरे गए, सैनिटाइजर किया गया है, यात्रियों की लिस्ट के लिए रजिस्टर बनाया गया है और आपका जो है यात्रियों के लिए सैनिटाइजर भी रखा गया है। पहले किराया कितना था, आज किराया कितना है? पहले जो है अल्मोड़े का 160 रुपये था, अभी जो है सरकार चलते हुए 22 मार्च से बसों का संचालन बंद था, आज बसों का संचालन शुरू हो चुका है, कौन कौन से रूट की बसें शुरू हो चुकी हैं और सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए बसों में? शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको देखते हुए आज हमने प्रथम बस बागेश्वर के लिए भेजी है, जिसमें 12 सवारी भेजी, गाड़ी को सैनिटाइज किया गया, यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया, समस्त सैनिटाइज करने के बाद उनके गाइडलाइन के हिसाब से टिकट काटा गया और यहां से बागेश्वर के लिए संचालित की गई। पहले बागेश्वर का किराया कितना था, आज कितना है? पहले बागेश्वर का किराया जो था 225 या 235 के लगभग था और आज गाइडलाइन के हिसाब से 700 कुछ रुपये हो गया है। सवारी आ रही है या अभी नहीं? गाड़ियों में सवारी गिनी चुनी आ रही, 4 घंटे में एक वाहन निकल ली है। आपका नाम? ब्रजेश तिवारी। कोविड-19 के चलते बसों का संचालन बंद था, आज बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया गाइडलाइन के अनुसार। इतने दिनों बसें बंद रहने के कारण जैसे किस्तें बैंक की और खर्चे गाड़ी के जो नहीं निकल पाते, तो उसमें क्या सरकार ने कोई आपको राहत दी है? न तो सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है, न सरकार की तरफ से कोई राहत है। 22 मार्च से जैसे कि आश्वासन दिया गया था कि टैक्स माफ़ी के लिए, कोई भी अभी तक इसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं है कि इसका टैक्स माफ़ी होगा। और जो हम वाहन स्वामी का ही 4 महीने का समय होता था, मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून तक का, इसी में पूरा साल भर का खर्चा, टायर का,
और पार्ट्स का, इंश्योरेंस का, जो भी वाहन स्वामी का साल भर का खर्चा इसी से निकलता था। ये पूरा साल हमारा 4 महीने पूरे बेकार हो गए कोविड-19 के चक्कर में। इसलिए हर कोई ना कोई गाइडलाइन है, हर वाहन स्वामी अपने स्तर बहुत परेशान है, कर्मचारी हर स्तर पर अपने परेशान हैं और कोई गाइडलाइन नहीं है। मजबूरन एक ट्रायल के तौर पर गाड़ियों का संचालन के लिए आज से जो शुरुआत हुई थी उसमें भी कोई पैसेंजर, सामने देख लीजिए आप, एक भी पैसेंजर बसों में नहीं है। फिर मजबूरन वाहन स्वामी को वाहन खड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और न ही कोई वाहन परमिट सरेंडर करने के लिए कोई गाइडलाइन वहाँ पर है। और जुलाई का जो जुलाई में वहाँ पर वाहन सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं उनसे वहाँ पर टैक्स के लिए कहा जा रहा है और कोई सरकार की तरफ से कोई मदद है, न कोई गाइडलाइन, न कोई सुनवाई है। सरकार ने आपको कोई किसी भी तरह की मदद नहीं दी है? बिल्कुल भी नहीं, एक पैसे की मदद नहीं है। आप वाहन स्वामी हैं? जी हाँ, मैं वाहन स्वामी हूँ। आपका नाम? हरीशचंद्र जोशी। धन्यवाद जी। फिर बागेश्वर हो गया, भीड़ा बाने हो गया, मोना लेसवाल हो गया और चौथी बागेश्वर जा रही। तो जो कोविड-19 चल रहा है इसके मद्देनजर कितनी सवारी लेके जाएंगे आप? तो सवारी में तो आधी सर, आधी सवारी हैं, डबल किराया है। डबल किराया है? डबल किराया। तो कितनी सीटर बस है ये? 28 सीटर है, तो इसमें 12-13 ले जाने पड़ रहे हैं। तो अभी जैसे आप पहले दिन बस का है, सवारियां आ रही हैं? अभी सवारी तो 4 बसें चली गई है, 20-22 सवारी गई है उनमें, चारों में गई हैं। तो ये यहाँ से अल्मोड़ा जाके वापसी कब होगी? वापसी कल होगी सर। कल होगी। आपका नाम क्या है? दीपक सिंह। समय के बाद बसों का संचालन शुरू हुआ है। हाँ। तो आज आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ। पहले किराया कितना था, आज कितना है? पहले तो 150 रुपये था, अब 300 रुपये हो गया। पहले कितना था? 150। आज कितना है? 300 हो गया। बसों में कितनी सवारी लेके जाएंगे कुछ मालूम आपको? बसों में 50% करेगा। अच्छा, तो सैनिटाइजिंग करा रखा है? हाँ। सुरक्षा का पूरे प्रबंध है बस में? सैनिटाइजिंग तो शायद मैं तो अभी आया हूँ, करवा रखा होगा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम किशन सिंह लटवाल। ठीक है सर जी। चलते हुए 22 मार्च से लगातार बसें बंद थी, आज बसों का संचालन शुरू हुआ है। आज आप कहाँ जा रहे हैं बस से? अल्मोड़ा। तो पहले बस में किराया कितना था? पहले बस में 135 रुपए था। आज किराया कितना दे रहे हैं आप? 300। यानी कि आर्थिक बोझ आप लोगों पर पड़ रहा है जी। तो इसमें कोई सुरक्षा के प्रबंध जैसे सैनिटाइजिंग? हाँ, वो होगा। हैंड वॉश वगैरह करवा रहे हैं जी जी। आपका नाम? आयशा। धन्यवाद।